हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होगी। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पहनी है हाफ स्लीव, क्योंकि पूरी रात को हम पंखा चला के सोए थे, क्योंकि मौसम इतना चेंज नहीं हुआ है गाइस। अभी मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं स्वेटर वगैरह पता नहीं क्या क्या पहन के जाऊंगी, क्योंकि स्कूटी में मुझे लगेगी ठंड, तो इस वजह से मैं जाते हुए भी आते हुए पहनते हुए जरूर आऊंगी गाइस। पर अभी मैंने पहना हुआ है हाफ स्लीव और रात को पंखा चला के सोए थे, और पंखा मैंने अभी उठते ही सुबह बंद करा है। तो मैं गाइस नहा चुकी हूँ और बस मेरा काम स्टार्ट होने वाला है। रौनक अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा काम अपना निपटा लूँ, उसके बाद रौनक को उठाती, क्योंकि फिर उसके बाद ना मेरे काम करते करते कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, तो मेरे को लगती है उस टाइम परेशानी। तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा काम निपटाऊंगी, उसके बाद उसको उठाऊंगी, ताकि मैं आराम से काम कर लूँगा। तो मिलती हूँ मैं गाइस आपको दोबारा। तो गाइस, मैं पेपर देकर आ चुका हूँ। आज था मेरा साइंस का पेपर, जो कि बहुत ही बढ़िया गया, एकदम बढ़िया गया। मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, 39 क्वेश्चंस का था पेपर और मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो मैं 10 घंटा पढ़ा था, वो मतलब मेरे 10 घंटे सफल हो गए एक हिसाब से। तो हाँ, बस अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। बस अब मेरा इंग्लिश का पेपर, तो मैं उसकी तैयारी करूँगा घर पर। ट्यूशन जाना नहीं है, क्योंकि ट्यूशन में नहीं पढ़ाते ना सर मेरे को इंग्लिश। तो हाँ, मैंने ट्यूशन में ले नहीं रखी इंग्लिश, तो हाँ मैं घर पे पढ़ूंगा। और मतलब छुट्टियाँ ही हो गई एक हिसाब से मेरी ट्यूशन की, तो मैं आराम से पढ़ूंगा जब चाहूँ तब। और मतलब अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लूँगा, जैसे सर 10 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे को अब। तो हाँ, बस ये बढ़िया चीज़ है। तो गाइस, अभी अभी मैं ऑफिस से आई थी और मुझे आए हुए सिर्फ 5 मिनट में अभी, और रौनक आज ट्यूशन नहीं गया क्योंकि उसका आज साइंस का पेपर था, क्योंकि ये जो ट्यूशन जाता है वो मैथ्स और साइंस की ट्यूशन जाता है। तो अभी घर में पढ़ेगा, क्योंकि बाकी के जो इसके पेपर रह गए हैं वो अदर सब्जेक्ट के हैं, तो उसकी ट्यूशन नहीं लगा रखी अभी, तो वो घर पे मौज कर रहा है ना रौनक। मौज मस्ती कर रहा है ना। और पेपर कैसा हुआ है गाइस को बता दें? बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा हुआ है ना। तो बस अभी मेरा काम स्टार्ट होगा गाइस, आपके पीछे पीछे। अच्छा, मेरे पीछे पीछे। हाँ, आप पूछी का बर्थडे क्यों नहीं मना रहे पहले ये बताओ। चीना ला तो रही है केक? ला रही है। हाँ, मैं तो कोको पूछी की, वो कोको पूछी की कह रही हूँ, पायल और गोलू की वेट कर रही थी। तो आपको तो भागदौड़ मची हुई है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई शायद हम ना आए, तो मम्मी आप वहाँ पर आ जाना। अब मुझे कुछ नहीं पता, तो चीना कहती है मम्मी देखो अब देख 8:30 बज चुके हैं। अरे छोटे छोटे काम करते हुए ज्यादा लेट हो जाता बंदा। अब नैपकिन कितने दिन से खत्म थे, मैं बोल रही थी, मैं कहा चलो ये ले ले वो ले ले। वैसे भी 2-3 महीने बाद मैं चेंज कर जाती हूँ, पुरानी हो जाती है। कहाँ खराब, गंदी भी तो हो जाती है। अब वो लेके अब छूट दुकान की छुट्टी करी है, मतलब जो काम है कर ले। आज छुट्टी करी भी है? दर्द था ना बैंक में, तो फिर अच्छा मैं तो शाम को जाने लगा, वो कहते हैं हमारे हैं, मैं लड़कियों को मिल लेता हूँ, वो भी नहीं आए। अच्छा, फिर रात को सो गया था जल्दी, तो मैं चलो अब मिल लेता हूँ, आ जाएंगे। अब देखो किस वो बच्चों की वेट कर रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, अब वो भी तो बेचारे अपने देखेंगे ना। तो अभी आपने अब जाओगे भैया को ले जाना साथ में, देख लेना क्या रात को, फिर कोको पूछी को देख लेंगे ना पीछे से। मेरा को पता नहीं, कल मैं 2 बजे आई थी। अच्छा, नहीं रात का तो मुझे पता है, अब लेट आई हो। फिर पीछे से भोगती, ये भोगते हैं वो गेट के पास ही बैठे रहेंगे, गेट पे बैठे रहेंगे, तुम्हें लोगों को सोने नहीं देंगे, सोने नहीं बचाएंगे, ऊपर जाएंगे। मैं और अंदर बैठे रहूंगा, मेरे पास चाहे रात में सुबह 4 बजे 5 बजे ये बैठे रहेंगे, मैं सो जाऊंगा तो अभी बैठे रहेंगे, भोगेंगे नहीं। लेकिन ना हो तो फिर परेशान करते हैं, सब चीज देखनी पड़ती है। हाँ, मैं ही देखने आई थी, मैंने कहा चलो इसका बर्थडे विश कर दे इसको। उची हैप्पी बर्थडे करने आई उची, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। 7 साल की होगी मेरी छोटी सी बेटी। 7 साल की होगी? 7 साल की। ये देखा कपड़े क्यों नहीं पहने सुंदर वाले, फिर पिंक वाले पिंक वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं दर्जी ने उतार दिए थे, मैंने दोबारा पहना दिए। हाँ तो अभी ठंड है भाभी, जैसे मैंने भी तो देखो मोटा वाला पहना हुआ है। हैप्पी बर्थडे। एक कोको रानी, कोको तेरा बर्थडे कब? 5 मार्च का। तेरा बर्थडे कब है? 5 मार्च है। 6 साल की, 6 साल की हो जाएगी ये। चल सो जा, तू सो, तू सोती सोती रहकर, बस तू सोती अच्छी लगती है। बस सिरहाने पे सो जाती है। सही है, चादर अच्छी लग रही है ना। हाँ, देखी तू थी कल? हाँ बताइए। सही है, अच्छा है। तो इसके पिंक कलर की ड्रेस बना देते ना इसको आज, पूछी को रेड है, मेरे पास पिंक नहीं है तो रेड बना देते। अभी केक कट कर दो, चेंज कर देना कपड़े, क्लिप लगा देना। अच्छा, इनकी बो भी तो होगी ना आपके भाई ज्यादा गाने वाली।
हाँ सब कुछ है, लोग आते ही नहीं है। देखा एक काम करें, पता क्या करते नहीं ये काम करें, इसको पार्लर ले दो मिनट के लिए लगा देना ना फोटो खींचने को। अच्छा चलो ठीक है, आपको तो भागदौड़ मची हुई है कल से है ना बच्चे। भागम भागा ना नहीं रे, मैं ही भाग भागी जा रही, भागी जा रही। चलो कोई बात नहीं, माँ बाप भी भागते होते हैं वैसे भी है ना। चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहे बस। अभी थोड़े देर में मैं भाग जाऊंगी उनके घर। सही है, हम कहाँ भागे, तुम मेरे पीछे पीछे भागो। पूछी हम कहाँ भागे बता। ए पूछी के नानी पास जाओ, नानी पास के नानी पास मिल के आओ, नानी छे घर से निकले, घर में क्या घुसू। मम्मी से मिला, बैठो बैठो बैठो, मिलकर तो आई थी उस दिन। तो कोई बात नहीं, आज नहीं चल 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 वो तो मैं करता ही हूँ रोज। तो बैठ जी, तभी तो कह रहा उठ जाओ। तो गाइस आते ही काम तो आपको जैसे कि सबको पता है कि शुरू हो ही जाता है, तो मेरा भी शुरू हो रखा है। और अब मेरे वाइट आज बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आगे आगे से, अभी तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से, पर मेरे को बहुत अच्छे से दिखता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि ना सुबह होती है रोशनी और उस टाइम पर ये सारे वाइट बाल हैं ऊपर ऊपर जो दिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और इस साइड तो बहुत ज़्यादा, ये इधर की साइड पे ना बहुत ज़्यादा वाइट बाल हो रखे हैं मेरे, क्योंकि कलर लगाने से ख़राब हो गया गाइस, क्योंकि अब नहीं लगाऊंगी तो भी गुजारा नहीं है, और लगा लूँगी तो ख़राब तो होने ही होने, तो क्या करूँ अभी दोनों ही साइड पे फंसूँगी, नहीं लगाऊँगी तो बेकार लगेंगे और अगर लगाती हूँ तो बाल ख़राब होंगे। तो अभी पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, पर मैं रात को आज सारा काम ख़त्म करने के बाद ना मैं अपने बालों में कलर लगाऊँगी, क्योंकि ना सुबह के टाइम पर बहुत रोशनी में गंदे गंदे लगते हैं। फिर ऑफिस में भी सब बोलते हैं कि गुरविंदर मैम, गुरविंदर मैम आपके बाल, आपने कौन सा कलर लगाया आज, तो मेरी इंसल्ट ही हो रही थी ज़्यादा ही ऑफिस में, सब कहते हैं आपने कौन सा कलर यूज़ करते हो, मैंने बोला मुझे पता है मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं चुप रही, मैंने बोला हाँ कोई कलर यूज़ करती हूँ मैं, बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा कौन सा कलर यूज़ करती हूँ, कि आपके ना कलर में शेड यहाँ पे बालों में शेड आ रहा है, मैंने बोला अच्छा मुझे पता है मेरे वाइट बाल नज़र आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ आपने बालों बाल भी ऐसे मैंने ऊपर से फोल्ड करे हुए हैं ना कहीं ऐसे करके, मैंने चोटी बना रखी है ऊपर छोटी सी, तो इस करके तो वाइट बाल यहाँ से ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आज मैं करूँगी कलर और आज मैं करूँगी फटाफट से काम, जो काम मेरा फटाफट से हो सकता है ना अभी, तो वो रोने की वजह से हो रहा है लेट, वो कैसे लेट हो रहा है तो गाइस मैं आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ मेरी हेल्प करने की बजाय मेरा बच्चा सो रहा है। ओए चूचू है मेरे बच्चू, क्या हुआ बाबू, उठ रहा हूँ, उठ जाओ ना फिर, उठ रहा हूँ, मुझे पता थक गया तू, मुझे पता है पर काम भी तो कराना पड़ेगा ना मम्मा के साथ। कब उठ रहा हूँ, कितने देर से उठा रही हूँ मैं, देखो चल ठीक है। तो गाइस मैं आज बना रही हूँ अपनी रौनक की एक फेवरेट सब्जी, जो कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में डलती डलती है वो चीज़, पर मैं उसको थोड़े से अलग तरीके से बना रही हूँ ताकि उसको खाने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं उसकी एक फेवरेट डिश बना रही हूँ, हालांकि वो डिश मैं बना पहली बार रही हूँ, पर उसमें जो चीज़ ऐड हो रही ना वो उसकी फेवरेट डिश है, फेवरेट चीज़ है, तो मतलब डिश नहीं है, डिश तो बनने के बाद रेडी होगी, पर उससे पहले तो जो मैं चीज़ उसमें यूज़ कर रही हूँ तो वो उसकी फेवरेट चीज़ है। तो इस करके तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने बाबू को, क्योंकि दोपहर को भी ठंडा खाना खाता है वो, इसलिए अब मेरा मन करता है कि रात को, सुबह वो नाश्ता करता नहीं है गाइस, बहुत ही रियल होता है नाश्ता वगैरह करे, जैसे कि चाय बिस्किट ले लेता है या एक आधा कोई फ्रूट ले लेता है, बनाना वगैरह खा लेता है, ऐसे करके खाता है। फिर उसके बाद लंच जो करता है वो फिर दोपहर को ठंडा ही होता है, आपको पता है कि चलो सब्जी तो बच्चा फिर भी गर्म कर लेता है, भाभी वगैरह गर्म कर लेती है चलो, पर हाँ मैं रोटी वगैरह बना के जाती हूँ इसको, तो क्योंकि भाभी कहती है, ललिता भाभी सोने डॉली भाभी के हम बना देंगे, पर मेरे को ये रहता है कि नहीं खुद से काम कर लो ज़्यादा बेटर है। तो फिर उसके बाद चेहरे को भी रौनक को भी ऑकवर्ड लगता है कि थोड़ा सा अजीब लगता है कि हाँ मैं कैसे बोलूँ किसको कैसे ना बोलूँ, तो इस करके मैं बना कर जाती हूँ, तो सब्जी गर्म कर लेता है खुद से और रोटी मैं बना के जाती हूँ, वो खा लेता है आराम से। तो रोटी ठंडी होती तो मुझे ये लगता है कि शाम को एक बार रोटी खिलानी है उसको, तो मैं अच्छी तरह से प्यारे हाथों से खाना खिलाऊँ ताकि उसको भी थोड़ा खा के अच्छा लगे कि हाँ मम्मी ने मेरे लिए कुछ अच्छा करा है। तो इस वजह से मैं उसको अब रोटी बना के दूंगी, जो मैं सब्जी बना रही हूँ उसके साथ मैं उसको पराठा या चपाती बना के दूंगी, जो भी उसको अच्छा लगेगा वो। तो बस मेरा अभी काम हो रहा है गाइस, और
अभी बज रहा है 10, अब मेरा फटा आधा घंटा मुझे और लगेगा रोटी बनाने में, क्योंकि अभी मुझे आटा भी लगाना है और सब्जी तब तक मेरी हो जाएगी रेडी। तो गाइस जो आज मम्मी ने रेसिपी बनाई है, मैं आपको बताऊंगा तो नहीं कि कौन सी बनाई है, बहुत टेस्टी है, मतलब इतनी ज़्यादा मैं कह ही नहीं सकता। तो हाँ, मम्मी ने पहली बार बनाई है लेकिन इतनी टेस्टी बनाई ना, ऐसे लग ही नहीं रहा कि पहली बार बनाई है, ऐसा लग रहा है कितने साल से मम्मी यही डिश बना रही है। तो हाँ, 4 बजे आएगा इस रेसिपी का ब्लॉग, आप ज़रूर जाकर देखना और आप भी घर पर ज़रूर बनाना, क्योंकि बहुत टेस्टी बनी है, आप बनाओगे तो आपको भी टेस्टी लगेगी। तो हाँ, अपने घर वालों को खिलाइए और खुद भी खाइए। रेसिपी जो है वो बहुत इजी है, मतलब हर सामान जो कि आपके घर में होता है ना उससे बन सकती है, मतलब जो भी इसके लिए चाहिए ना रेसिपी के लिए सामान वो आपके घर में ज़रूर पड़ा होगा, बस आपको बस बनाना है, इजी, बहुत इजी रेसिपी है। ओके, गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के व्लॉग का अंत हम यहीं पे करते हैं, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ, तब तक गाइस आप सब लोग अपना ख्याल रखना। तो गाइस आपके बहुत ही प्यारे 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 बहुत ही स्वीट कमेंट्स आ रहे थे और मैं अभी थोड़ा सा जवाब नहीं दे पा रही हूँ गाइस, क्योंकि आके मुझे डबल आज काम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं जैसे ही बैठूंगी ना, अगर मैं आज बैठ गई या मैं कल बैठी, तो मैं आपको एक ही सेटिंग में सबको कर दूंगी। हाँ, मैं सबको एक बार में रिप्लाई करूंगी गाइस, तो प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा और प्लीज़ जिस तरह से आप अपना प्यार हमें दे रहे हो उसी तरह से अपना प्यार और अपना साथ हमेशा इस तरह से बनाए रखिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।